तो फिलहाल आए हुए हैं जी रेलवे स्टेशन और यहाँ पर मिलने आए हुए हैं अपनी दीदी से जैसिका जी से। जैसिका दीदी मेरी आ गई। जैसिका दीदी इसको पहचानते हैं? नहीं कौन? नहीं जानते ना। ये कामनी दीदी है, ये भैया है, ये अजीत भैया है, वो रुद्र भाई है, ये फगुनिया है। दीदी ये फगुनिया है। तो एक और गेस्ट आ चुके हैं जी और एक और गेस्ट आ गए हमारी इस पार्टी की शोभा बढ़ाने के लिए। तो फिलहाल आए हुए हैं जी रेलवे स्टेशन और यहाँ पर मिलने आए हुए हैं अपनी दीदी से जैसिका जी से। तो बताइए परेशानी तो नहीं हुई यहाँ आने में? हुई परेशानी? लग रहा है। हाँ पड़े आप चलिए तबीयत थमा दीजिए। अच्छा धन्यवाद धन्यवाद। अभी अभी पूजा खत्म हुआ है, प्रसाद सब बांट करके आए हैं। बिल्कुल आप सही समय पर आए, प्रसाद खाने के समय पर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ठीक है। आइए तो जैसिका दीदी आ गई है फैमिली घर और उधर जिया भी आ रही है, जिया को इन्फॉर्म कर दिया और ये सारा दूध सब लेती आई ताकि बच्चे सब भी है यहाँ पर, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। क्या सब ले क्या? नहीं नहीं ये हमारे जैसिका दी का अलग सामान है। ये दूध है, दूध है, कोई दिक्कत नहीं। जैसिका दीदी मेरी आ गई। जैसिका दीदी इसको पहचानते हैं? नहीं कौन? नहीं जानते ना। मेकअप में नहीं पहचान रही है। कितनी सुंदर लग रही है पूजा, एकदम बवाल बवाल। दुल्हने लग रही है, तुम ही बनाई है इसका लग रहा है। जाओ गलत हो गया, पूजा बुलाया आपको नहीं बुलाया, एकदम गलत बात। आप तुम समझ गई ना, आप समझ गई ना, अब नहीं बोलोगी ना। ये भी सोचेंगे कि आग लगा रही है सब। और बाबू नहीं आई? ये दीदी सारा है दीदी, ये सारा है, ये मोनिका दीदी है, ये छोटी है, वो दिव्या है। ठीक है और आई और मिलवाती हूँ मैं आपको। आज और ये कामनी दीदी है, ये भैया है, ये अजीत भैया है, दोनों में सीट करा दो। पहली बार मिल रहे हम आपके ज्यादा देखे, रील ज्यादा देखती है, बात होती है, ये ज्यादा नहीं है। वो जैसिका दीदी वो रुद्र भाई है। ठीक है आप जानती है ना, उनको हम मिले ना। हाँ मिले और अच्छा अच्छा अच्छा। और आइए मैं मिलवाती हूँ। ये फगुनिया है दीदी, ये फगुनिया है जानती है, और ये कनिका है। हाँ हाँ सबसे मिल लिए ना। ये काजल है, काजल है, ये काजल की बेटी है। तो एक और गेस्ट आ चुके हैं जी और एक और गेस्ट आ गए हमारी इस पार्टी की शोभा बढ़ाने के लिए। तो ब्यूटी जी क्रियांश के जन्मदिन में भी आई थी। हाँ हाँ तो चलिए दोबारा स्वागत है आपका। अच्छा लगा। आइए आइए भैया आइए, चलिए अंदर, ठंडा ही आप लोग। सो गया क्रियांश? नहीं सोया, उसे तब से मैं सुला सुला के थक गई लेकिन नहीं। कोई बात नहीं। तो पूजा पाठ हो गया जी और लगभग अभी आधे गेस्ट आ चुके हैं और आधे गेस्ट जो है कल आएंगे और सभी से खाने का एक बार फीडबैक पूछ लेते हैं। फगुनिया जी क्या बताइए कैसा लगा? ठीक है टेस्ट, कोई कमी हो तो माफ़ कीजिएगा। ठीक है और अजीत भाई आप बताइए, पहली बार आए हैं हमारे घर? हाँ थोड़ी सी भी असुविधा हो तो माफ कीजिएगा। ठीक है और उसके बाद और रुद्र भाई सारा व्यवस्था की, इसलिए इससे नहीं पूछेंगे हम। ठीक है और हमारे गोविंद महाराज भी खा रहे हैं। और पंकज भाई बताइए। मिथुन भाई
अरे चटनी आप लोग का कुछ लगता है? ठीक है मिथुन भाई, कभी भाई ठीक है, सब्जी सब बढ़िया एकदम। चलो कनिका, हाँ बिल्कुल, सभी लोग बहुत दूर से आए हैं, शोभा बढ़ाए हैं। यहाँ खाना का कोई अहमियत मेरे लिए नहीं रह जाता, खाना तो जीने के लिए सबको खाता है। एक बार बुलावा आने पर इन लोग सब उपस्थित हो गए, इसलिए हम आशीर्वाद भी देते हैं, इन लोग को धन्यवाद भी देते हैं, ये लोग हमेशा आते रहे मेरे यहाँ इवेंट होते रहे। तो यहाँ पर जी सभी लोग आ गए हैं यहाँ भोजन करने के लिए, और पूजा पाठ तो समापन हो गया है, और लगभग आधे क्रिएटर लोग आ चुके हैं, आधे लोग जो है कल आएंगे, और वो लोग जो है डायरेक्ट पूर्णिया ही आएंगे। तो कितने गए हमारे कटिहार, अच्छा लगा, तो चलिए सभी को खाना खिलाते हैं। बिल्कुल अपनापन वाला, बिल्कुल ऐसे लगा, मैं तो जब आई तभी मैंने बोला था ऐसा लगा जब अपने घर के गांव की शादी में जाते ना, सारे फीलिंग आ रही है, एकदम लग रहा है कि शादी में आ गए। अरे वो गिलास में पानी दे लिया था पत्ता के बाते में, तो हमारी नाटक में तो बहुत मजा खाना तुम लोग खा रही, हमें नाटक का पत्ता नहीं ऊपर भी पूरी पूरी खाई है, उस टाइम कभी तो उनका हड़बड़ी है, ये आज भी वही हाल है। वो जाए थे मधुबनी, वहाँ बैठी तो दो पूरी खाई थी ना, पुणे से बेंगलोर आई, बेंगलोर से बागडोगरा से कटिहार, जवान है मैं बस एक